अभी एक दुखद खबर सामने आ रही है श्रीनगर के इलाहीबाग से, जहां पर एक रोड एक्सीडेंट में मियां बीवी का एक्सीडेंट हुआ और उसमें जो हस्बैंड है उसकी डेथ वाकया हो चुकी है ऑन स्पॉट, और जो बीवी है वो स्किम्स हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के साथ लड़ रही है, यानी वो काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। ये जो एक्सीडेंट है अभी कुछ देर पहले जो है इलाहीबाग के रोड पर हुआ है, जहां पर अल खादिम है, नियर अल खादिम अहमदनगर के पास ये एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट जिसमें मियां बीवी जख्मी हुए थे और जो हस्बैंड है ऑन द वे टू हॉस्पिटल उसकी डेथ हो गई, और जो बीवी है वो काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। उनकी जो शिनाख्त है फारूक अहमद वानी की हुई है, जो कि इलाहीबाग का रहने वाला है, और उसकी वाइफ की जो शिनाख्त है नसीमा की हुई है। जो फारूक अहमद है वो 58 ईयर्स का है और जो नसीमा है वो 55 ईयर्स का है, क्रिटिकली इंजर्ड बताया जा रहा है 90 फीट अल खादिम अहमदनगर के पास, जहां पर उन्हें कुछ लोकल्स ने हॉस्पिटल लिया, और हॉस्पिटल के बाद जब वो ऑन द वे थे हस्बैंड की डेथ हो गई, फारूक अहमद वानी की जो है मौत वाकया हुई, और जो नसीमा है उसका वो अभी जेर इलाज है और काफ़ी क्रिटिकल बताई जा रही है उसकी हालत। और उसके साथ साथ ये भी बताते चले आपको कि जो पुलिस है उसने इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब देखना है कि एक्सीडेंट के क्या कारण है और क्यों ये एक्सीडेंट हुआ है, ये अभी जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। एक मरतबा फिर से आपको बताते चले, अल खादिम 90 फीट अहमदनगर के पास एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें मियां बीवी जख्मी हो गए और